Hey guys, welcome back to this channel. This is Vikas and in this session we are going to discuss about the active voice and passive voice. Well guys, last video हमने बात किया था कुछ ऐसे active voice जिनको हम लोग passive voice change करते समय उनको helping verb से identify कर सकते हैं. But यहाँ पे देखिए मैंने दो example लिए हुए हैं. इनमें लिखा हुआ है Romi calls us. तो इनको क्या होगा कि इसमें हम लोग helping verb नहीं दी हुई है. अगर हम लोग को helping verb नहीं दी जाती है तो हम लोग कैसे identify करते हैं एंड कैसे हम लोग उसको सोल्व करते हैं वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं आईएनजी वाले उनका पैसिव वॉइस कैसे फॉर्मेट किया जाता है. सो गाइस विदाउट डिले सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वेल गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि लास्ट वीडियो हमने देखा था कि ये रूल हमारे थे तो वो रूल हमारे वही काम करेंगे बट कुछ हमें इसमें समझने की बात है वो हम लोग समझते हैं. बट ध्यान से देखिए उसमें हमारा रूल होता था एस एच वी ओ क्योंकि हमको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना था हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट. बट इसमें तो देखिए कहीं हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है डू बी हैव का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ है. ऐसे सेंटेंसेस को आप फॉर्मेट करते समय क्या करेंगे हमने देखा हो एच हटा दिया है हमने तो इसलिए हटा दिया है क्योंकि इसमें हमको केवल सब्जेक्ट चाहिए वर्ब चाहिए एंड ऑब्जेक्ट चाहिए. तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट है इसमें वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है. सेकेंड हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट चेंज इंटू सब्जेक्ट तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम कहां ले आते हैं इसमें ले आते हैं. तो अस का देखिए अस का सब्जेक्ट क्या होता है वी होता है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वी. अब बात आती है कि भाई टेंस को चेंज करिए तो हाउ कैन वी चेंज द टेंस इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस. तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि वर्ब पे जाइए अब आपको तुरंत वी बना लेना है. अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है तुरंत आपको वर्ब पे आके वी बना लेना है. अब ध्यान से देखिए यह तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. अब यहाँ पे आपको केवल दो ही सेंटेंस बताया दो ही सेंटेंस हो सकते हैं इनमें केवल इतनी ही प्रोबेबिलिटी है. इंडेफिनिट होगा या तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा. अब कैसे पहचाने कि कौन सा है तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आया होगा. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो क्या लेके आया होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में एस लगा होगा या तो ई एस लगा होगा. ओके अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएगा या तो फिर वर्ब में एस या ईएस लगा होगा. और यदि वो सेकंड फॉर्म लेके आया है यदि वो सेकंड फॉर्म लेके आया है तो आप तुरंत जान जाइए कि वो कौन सा है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. और हम पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का चेंज किसमें होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है एस या ईएस मतलब कि एक कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखिए एस लगा हुआ है तो इससे हम जान सकते हैं कि कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट. और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम और आर. तो चलिए हम लोग इसको पहले फॉर्मेट करते हैं हम लोग ऊपर करेंगे. तो सबसे पहला हमारा क्या था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा लिया हमने ऑब्जेक्ट उठा के लाए थे तो हमने क्या कर लिया वी. अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम और आर और वी है प्लूरल तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हो जाएगा आर तो ये हो जाएगा वी आर. नेक्स्ट हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे कॉल्ड तो वी आर कॉल्ड. और नेक्स्ट होता है हमारा बाई तो वी आर कॉल्ड बाई. और उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हमारा ये है रोमी तो रोमी तो नाम है चेंज होगा ही नहीं तो रोमी को उठाकर हम लोग एग्जैक्ट यहाँ पे रोमी रख देंगे. ऑलराइट तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस फॉर्मेट हो जाता है. चलिए एक और मैंने एग्जांपल लिया हुआ है उसको हम लोग बात कर लें दे हैड अस. ओके तो आपको बस ये सिक्स रूल ध्यान देने सबसे पहला क्या है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है ऑब्जेक्ट भी है मतलब कि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है. और जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है तो आप तुरंत वर्ब में वी बना लीजिए. अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है अगर एस या ईएस लगा हुआ तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके अगर सेकंड फॉर्म होगी तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट. और हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है कंटिन्यूअस में. तो ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है हैड मतलब ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना तो एस या ईएस के साथ में लगा हुआ है तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट. इसका भी देखिए पहला रूल क्या है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वी अस का सब्जेक्ट हो गया वी. नेक्स्ट हमारा टेंस चेंज होता है तो टेंस पहले पहचाने तो और ये है सेकंड फॉर्म तो ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट. और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की होती है हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर तो इसके अकॉर्डिंग वी है प्लूरल तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पे वर्ड
ये हो गया हमारा वी वर। नेक्स्ट होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हेल्प की क्या होती है, सेम होती है, तो ये हो जाएगा हमारा हैव्ड। ओके नेक्स्ट रूल है हमारा फाइव है बाय, यूज बाय, तो नेक्स्ट हम लोग लगा देंगे यहाँ पे बाय। और नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ये है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ओके तो यहाँ पे हम लोग दे के ऑब्जेक्ट को चेंज करके यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, देम। ओके तो दैट्स व्हाई यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको तुरंत बनाना है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तब तो ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेंगे इजिली। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है तो आप तुरंत उसमें वी बना लेंगे, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब कैसे पता होगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म और एस या एस लगा है तो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तरीके से हम लोग इजिली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो गाइस आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम स्टे होम स्टे सेफ।